Okay, so today we all gather here to do Madhubani painting. Madhubani painting का basic चीजें हमें जानना जरूरी है. Drawing बनाना बहुत आसान है, बहुत difficult नहीं है. किसी भी painting को हम लोग उठा करके बना सकते हैं. हमें first practice करना होता है line का, basic lines, hand movement, हमारे wrist का movement जो होगा ये बहुत जरूरी है. Hand लगातार हमें lines की practice करनी होती है, तो ये important है first. मधुबनी painting में हम लोग line की practice करेंगे. लास्ट मीटिंग जब हम लोगों का हुआ था तो हमने बताया था आप लोगों को कि मधुबनी पेंटिंग में क्या चीज इम्पोर्टेंट है. फिलिंग एंड हेचिंग. हेचिंग मीन्स लाइन, फिल करना, कलर को भरना, जो गैप है उसको फिल करना और कलर से, और हेचिंग मीन्स लाइन को खींचना, लगातार लाइन खींचना. दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ मधुबनी पेंटिंग. पैटर्न, पैटर्न को फॉलो करना. बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना. डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर हम बनाते हैं. प्लीज सब लोग म्यूट कर लें, एंड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तभी आप लोग माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज साउंड आएगी तो आप लोग सभी को डिस्टर्ब करेगा. तो इम्पोर्टेंट है हम लोगों को लाइन, फिलिंग, पैटर्न एंड हिचिंग लाइंस करना, ये इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट हम मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं किस लिए? मेरा मोटिव सिखाना है कि आप किसी और को सिखा सके. मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप दो ड्राइंग बना करके दीवार पे टांग दे. बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको करना, कुछ दिनों के बाद करते करते. लेकिन क्या बेसिक चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर मधुबनी पेंटिंग हम कर रहे हैं उसका स्टडी क्या है, वो क्यों है, उसमें लाइंस किस तरीके से लाइंस को खींचा जाता है, पैटर्न. तो ये है. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग में, सिंबल. हम लोग सिंबलाइज करते हैं डिजाइन को. हम लोग कोई भी किसी चीज से ओके ऑन नहीं हुआ है आई थिंक, नेट इश्यू इज देयर. कनेक्टिविटी आई थिंक इशू है दीदी को, आवाज इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि माइक आपको ऑन करना पड़ेगा. पुष्पा कुमारी आई थिंक देयर इज अ वाईफाई इशू. तो सुचित्र कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट सी कैन अंडरस्टैंड. तो हम लोग को मास्क लगा के जाना चाहिए. ठीक है. तो फिर जिनका वाईफाई इशू है आई कांट हेल्प इट, जब तक वो ऑन नहीं होगा उनका वाईफाई आएगा नहीं, वो माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, तो आई कांट हेल्प इट. तो सिंबल का सबको उस दिन जो भी जुड़े थे और जो नहीं भी जुड़े थे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर बोल देती हूँ सिंबल का मीनिंग क्या है. कुछ साउंड आ रहा है, सब लोग प्लीज म्यूट, ऑल म्यूट योर सेल्फ. So now we are going to start proper class.
लाइंस मैं बताऊंगी, सिंबल का जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊंगी। कलर्स तो हमें पता है कि आजकल नेचुरल कलर्स यूज नहीं होते हैं, तो हम लोग मार्केट से इनिशियली लर्नर है, तो वाटर कलर जेल पेन का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं जैसे लॉन्ग लाइफ टॉर्टोइस को जब हम लोग यूज करते हैं तो लॉन्ग लाइफ कहते हैं, और एलिफेंट स्ट्रेंथ का सिंबल है, फिश प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी का सिंबल है। बर्ड्स में हम लोग यूज करते हैं तुलसी है प्लांट, तो डिफरेंट हम लोग सिंबल्स, पीकॉक हम लोग यूज करते हैं, ये लव एंड सेक्रीफाइस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ का हम लोग ये करते हैं, लव एंड फिश दो को अगर एक साथ हम सिंबलाइज कर रहे हैं तो फर्टिलिटी एंड लव का हम लोग सिंबल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पैटर्न है। अब हम आते हैं बेसिक पे, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बेसिक, गोइंग टू स्टार्ट। तो सब लोगों को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको? रफ हम लोग पेपर लेंगे, मेरा दीदी म्यूट हो गए हैं, सॉरी। तो हम लोग फर्स्ट हम लोग लाइन सीखेंगे, ये पैटर्न्स डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हम लोग सीखेंगे, एंड डिफरेंट लाइन क्रिस क्रॉस जिगजैग ये सारी चीजों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रफ पेपर पे कोई भी ए लाइन का पेपर हम लोग ले लेंगे, नोटबुक किसी भी प्लेन पेपर को लेंगे, और उसपे हम लोग फर्स्ट हम लोग सिंपल लाइन खींचना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर जब तक हमें लाइन खींचने में दिक्कत आएगी, हमारे हैंड को प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक हम लोग इस ड्राइंग को बनाने में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फर्स्ट हम लोगों को सिंपल लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन खींचना है वन स्ट्रोक में, हम लोग जितना लंबा लाइन खींच सकते हैं लाइक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, विल डू प्रैक्टिस दिस इन अ रेगुलर। ये किसी के लिए भी हो सकता है, मेरे मुझे भी दिक्कत आएगी अगर मैं काफी दिनों से ड्रॉ नहीं की हूं तो वन स्ट्रोक में लाइन हमें खींचना है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन हमें खींचना है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस ऐसे करेंगे लाइंस का। उसके बाद ये लाइन जितना बार आप जितना ज्यादा खींचते जाओ दिन भर, जितना जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, विल ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस। तो पैरेलल लाइन हमें खींचने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हमारा लाइन ऐसे चल रहा, अब हम लोग लाइन तिरछा लाइन हम लोग लेना शुरू करेंगे। तो ये एक अगर डबल लाइन भी एक और लाइन में पैरेलल खींच दूं, इसके अंदर में हम लोग इस तरीके से ये लाइन ले रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। विल डू प्रैक्टिस दिस, ये ही बेसिक है, फिनिशिंग हमारा आएगा। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे हाथों में, हमारे रिस्ट पे स्ट्रेंथ आएगी, हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। मैं बेसिक इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर कभी किसी को स्टार्ट कराओ, कभी क्लास लो मधुबनी पे, तो आप लोग बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि मधुबनी ड्राइंग हम लोग बना लेंगे बट हमें अगर बेसिक नहीं आएगी तो हम लोग हमारी फिनिशिंग में दिक्कत आएगी। तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग लाइन ऐसे खींचेंगे।
तो ये हमारा हो गया। अभी अपोजिट लाइन हम लोग इसी को आगे लेकर के जाएंगे, अपोजिट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। आप लोग डायरेक्शन कंफर्टेबल चेंज कर सकते हैं, मधुबनी में हमें उसका फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप जिस साइड से कर रहे हो, यू सी योर कंफर्ट एंड टर्न एंड डू। तो ये हमारा प्रैक्टिस है लाइंस की, हमारे लाइन पैरेलल चलनी चाहिए, यही फिनिशिंग दिखाएगा हमारे ड्राइंग में, हमारा लाइन पैरेलल चल रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे। सारे प्रैक्टिस हैं और ये जो बहुत लंबा प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत नहीं होती है, एक से दो दिन के प्रैक्टिस में हमारे हाथ सेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम लोग इस तरह के लाइन को खींच सकते हैं। इनिशियली हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन जितना ज्यादा हम लोग खींचेंगे, जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे उतना अच्छा हमारा हैंड सेट होगा और उतना ज्यादा हम लोगों के ड्राइंग में फिनिशिंग होगी। स्ट्रेट लाइन जितना वन स्ट्रोक में हम लोग खींच सकते हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और आप देखोगे कि दो से तीन दिन में आपकी हैंड सेट हो गई और आप ड्राइंग कर पाओगे। एंड ड्राइंग बाद में धीरे धीरे हम लोगों का हैंड, क्योंकि ज्यादातर अगर हम क्लोथ पे करते हैं तो हमें ब्रश की जरूरत पड़ेगी, तो जब हमें ब्रश की जरूरत पड़ेगी तो हमारे लाइन स्ट्रेट चलनी चाहिए और जिगजैग लाइन होगा इस चीज का। इस तरीके से हम लोग ये जिगजैग लाइन स्टार्ट करेंगे। ये लाइन इस इन सारी चीजों की हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी मैं पैरेलल लाइन नहीं कर रही हूं, अलग जिगजैग लाइन इस तरीके से चल रहा है हमारा। इन्हीं लाइनों की पूरी मधुबनी पेंटिंग में यूज होता है ये लाइन। इस सारी लाइनों की ही पूरी मधुबनी पेंटिंग में यूज होगा। तो ये मैं अभी सिंगल लाइन कर रही हूं। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि फिलिंग एंड हेचिंग है तो डबल लाइन शेडिंग नहीं है, तो हमें डिमार्केशन कैसे पता चलेगा। तो हम लोग डबल लाइन के बाद एक कलर को फिल करते हैं, बीच में गैप होगा एंड दूसरी लाइन। तो ये हम लोगों का ये सारी चीजें सिंपल स्ट्रेट जिगजैग लाइन हम लोग इस तरीके से। ये सिंपली फॉर प्रैक्टिस हम लोग ये करेंगे, प्रैक्टिस लगातार कभी भी हो, जितना छोटा जितना बड़ा वो हमारे हैंड पे इतना कमांड आ जाए कि हम लोग उस कमांड के, अभी छोटा हमें अगर करना है तो छोटा छोटा हम लेंगे। इसी में अगर हम डबल लाइन लेते हैं तो सी ये डबल लाइन चलना शुरू हो जाएगा। Thank you.
सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस. ये जो भी मैं कर रही हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कोई भी कर सकता है, बट आप ट्राई करेंगे देखेंगे तो लगेगा कि अरे मेरा सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस है. जो भी चीजें हम करेंगे ये सारी प्रैक्टिस है. इस तरीके से हमारा सिमेट्रिकल एक दो बार तीन बार के बाद आना शुरू हो जाएगा. अब अगर हम इसी को फॉलो करें पैरेलल लाइन डबल, तो डबल लाइन इस तरीके से हमारा हाथ बार बार चल जाता है. तो ये क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होगा. हमारा लाइन डबल नहीं चलना चाहिए, सिंगल लाइन चलना चाहिए. कभी भी डबल चलेगा तो वो पूरा ड्राइंग का सो निकल जाएगा. तो ये सिस्टम है, इसको फॉलो करना. एक ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो ये अगर हम लोग पैटर्न लिए हैं, अगर कोई भी पैटर्न अगर ले रहे हैं तो इस तरीके से हमारा हैंड मूवमेंट चलेगा. स्ट्रेट लाइन जितना लंबा आपका वन स्ट्रोक में जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि वन स्ट्रोक में कितना लंबा लाइन हम लोग लेकर के जाएंगे. गैप बिटवीन द टू लाइन, उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. मेरा गैप कितना होना चाहिए? गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम से पैरेलल जैसे मैं दिखाती हूँ आपको. तो ये जैसे हमने लाइन खींचा. अब अगर मैं ये जो बेसिक मैं करा रही हूँ, अब कोई पैटर्न अगर मुझे बनाना है, तो अगर पैटर्न बनाना है तो उसके लिए है अगर कोई पैटर्न बनाना है तो लाइक दिस. तो ये जैसे हमने एक लाइन खींचा, ये एक लाइन खींचा, ठीक है. इसके जस्ट पैरेलल एक और लाइन जाएगा, ठीक है. दिख रहा है सबको? दिख रहा है जी? दीदी दिख रहा है? बेटर. यस बेटर. ओके ओके. सो अब दूसरा एक और लाइन इसी के पैरेलल हम लोग लेंगे. ये मैं पैटर्न के लिए बता रही हूँ. जब बेसिक लाइन का प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा तब हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे. तो अब इसके साथ ही एक और लाइन, एकदम से सटा हुआ एक और लाइन आएगा. और इसको हमने ऐसे जस्ट कवर किया. एक मैं कोई भी एक डिजाइन अगर ले रही हूँ तो इसमें हमने मान लो कि हमें जिगजैग लाइन लेना है. तो स्टार्ट हुआ ऐसे, ये चल रहा है, स्टार्ट हो गया. ये हमारा लाइन हमने लिया. अब इसी लाइन को हम लोग फॉलो करना शुरू करेंगे. तो डिपेंड है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ऐसे खींचेंगे, इसको फिल करेंगे लाइन से, इस तरीके से हम लोग फिल करते जाएंगे. इस डायरेक्शन में आप सिमिलर भी हम लोग कर सकते हैं, अपोजिट भी हम लोग कर सकते हैं. इसको हम लोग इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं. तो कोई भी पैटर्न को हम लोग जैसे बना रहे हैं तो ये आपके माइंड में जब आप ड्रॉ करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में वो डिजाइन आनी शुरू हो जाएगी. एक एक पैटर्न में इस तरीके से ड्रॉ करके मैं बता रही हूँ. तो ये हमारा ये लाइन विल ड्रॉ पैरेलल लाइन, बिल्कुल क्लोज होगा, जस्ट उसके जस्ट पैरेलल थोड़ा गैप में लाइन जाएगा. अब इसके अपोजिट इस साइड का
तो ये पैटर्न हमारा चल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, तो पूरा अगर फिल करना है। अब ये पार्ट को हम लोग कलर कर देते हैं, जनरली वन पार्ट को हम लोग जनरली फील कर देते हैं और वन पार्ट इस तरीके से लाइन हमने हम लोग की, तो ये एक 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 सिंपल पैटर्न है। इस तरीके से वेरियस ऑफ पैटर्न हम लोग लेकर के चलेंगे। मैं दूसरा एक और पैटर्न, तो एक आप लोग पूरे पेज में एक पैटर्न के लिए रख लोगे और उसी पैटर्न को हम लोग जैसे जनरली आपके पास रहेगा तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब मैं एक और बता रही हूँ, इस तरीके से एक और हम लोग पैरेलल लाइन लेंगे और उसको यहाँ एक और हम लोग पैरेलल लाइन ले रहे हैं। उसके जस्ट उसके साथ ही वन मोर लाइन, मधुबनी में दो लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग कलर फील करेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, तो एक और लाइन हम लोग इसके साथ ले रहे हैं। अब इसमें हमने हम जिगजैग लाइन अगर ले रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे न्यू पैटर्न देंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में आइडिया आती जाएगी, आप खुद भी आपके दिमाग में आएगा। जस्ट बेसिक ये ड्रॉ हो गया, सिमिलरली इस साइड भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये सारे हमारे बॉर्डर्स होते हैं, जितने मधुबनी पेंटिंग बनेंगे विदाउट बॉर्डर कोई भी मधुबनी पेंटिंग नहीं बनता। बीच का ड्राइंग बनाने से पहले ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, तो ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। अब इसको फील करेंगे क्योंकि मधुबनी में फीलिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम लोगों का लाइन आएगा, इस तरीके से लाइन जा रहा है, अपोजिट साइड से स्टार्ट हो गया। सेम हम लोग इधर भी चलेंगे, ये सारे हमारे हैंड के प्रैक्टिस होते जाएंगे। जितना ज्यादा हम लोग इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे हमारा उतना हैंड फ्री होगा एंड वी कैन डू इजिली, सो ऑल शुड फॉलो दिस, विल डू प्रैक्टिस रेगुलर। Thank you.
So you all are doing? So this is the border pattern which we are doing. तो ये हम लोग इस तरीके से फील करते जाएंगे लाइंस. फाइन लाइंस होता है इसमें मधुबनी में, और आपकी स्पीड भी इसी से बढ़ेगी. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत फास्ट फिर आप कर पाएंगे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है मे बी आपका लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, कभी पैरेलल ना हो, बट विद द प्रैक्टिस इट हेल्प यू टू डू. तो ये हमारा हमने एक पैटर्न बनाया इस तरीके का. और भी पैटर्न हम लोग जैसे ड्रॉ करेंगे तो ये सारी चीजें हमारा एक और मैं दिखाती हूँ प्रैक्टिस करके आप लोगों को. तो ये सारे प्रैक्टिस लाइंस का प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे. स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग, क्रिस क्रॉस, ये सारे प्रैक्टिस आप लोगों को करने हैं. तो जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना कन्वीनियंट होगा करने में ड्राइंग. तो ये बहुत जरूरी है हमें हैंड की प्रैक्टिस. आप लोग लगातार वो प्रैक्टिस करेंगे. एक एक नोटबुक होगा, ड्राइंग नोटबुक होगा, जिसमें आप इस तरह के पैटर्न बना करके बनाते जाएंगे रखेंगे. एक और मैं पैटर्न आपको बता रही हूँ. जनरली पूरे में हम लोग पूरे जैसे कोई भी ड्राइंग का उसका बाउंड्री हम लोग बनाते हैं. तो जनरली उस तरीके का, अगर मान लीजिए अगर हम लोग शंकर का भगवान का अगर मान लो कि हम लोग बना रहे हैं, तो फिर पूरे उसके बाउंड्री जो होंगे उन्हीं के डिजाइन से होता है. तो ये सारी चीजें फॉलो. अगर फिश का कुछ करना है, अगर मान लो हमें पैटर्न लेना है, मैं एक फिश का बता रही, तो ये पूरे में होगा इस तरीके से. लाइन हमने लिया, एक और पैरेलल लाइन लिया, अगेन वन मोर, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब इसके अंदर का हम लोग लेंगे.
यहाँ तक हमने किया, अब इसमें हम लोग लाइन देंगे, इसके अंदर ऐसे हम लोग डैश डैश वाटर का, तो ये पूरे में डैश डैश होगा। तो ये थिंक अगर हम बहुत बड़ा बना रहे हैं तो पूरा हमारा इसका बॉर्डर यही होगा। This is all about the patience. Patience ka ultimate test. But while you are going to start, you will love to do this. Enjoy the painting. Once start. That is why ye painting kya hota tha Madhubani art mein? Log group mein kya karte the? They were not doing alone. सो दैट इज वाई ये इतना डेप्थ में इतना ज्यादा इसमें होता था, तो काफी सारे लोग ग्रुप में एक साथ बनाते थे। तो अभी मैं और एक और मैं पैटर्न ले रही हूँ। नेक्स्ट फाइन लाइन आप लोगों को पता चल गया, मैं नेक्स्ट एक और पैटर्न ले रही हूँ। तो अगला पैटर्न के लिए फिर से हम लोग एक और लाइन लेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे। वन स्ट्रोक में जितना ज्यादा लंबा हमारा प्रैक्टिस होता जाएगा उतना लंबा हम लाइन खींच पाएंगे, तो उतना हमारे लिए इजी होता जाएगा। जितना कम गैप हम लोग कर पाएंगे वो प्रैक्टिस से ही होगा। इस तरीके से हमने लाइन लिया, दिख रहा है? इज इट विजिबल? यस। ओके, सो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम लोग इस तरीके से ये चल रहे हैं। अब इसके पैरेलल एक और लाइन आएगा, अभी सेम इसके साथ हम लोग इस तरीके से एक और लाइन हमने दे दिया। अब इसमें स्ट्रेट लाइन चलना शुरू होगा, इसको हम लोग फिलिंग करेंगे विथ लाइंस। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि पूरे में लाइंस का ही है,
सारा इसमें डिजाइन का मैटर ही है, लाइंस। जितना आपका फिनिशिंग लाइन में आएगा उतना अच्छा सुंदर आपका पेंटिंग दिखेगा। अब हम लोग अपोजिट साइड का इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते जाएंगे। इसमें डबल लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों होगा। हम लोग इस तरह के जितने पैटर्न बनाते जाएंगे उतना हमारा प्रैक्टिस होता जाएगा हैंड का। एंड फिर हम लोग लंबा लंबा इस तरह का पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप लोग इसको इस तरीके का प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक और मैं पैटर्न आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारे पास 10 मिनट है। किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज है तो हम लोग जरूर मैं उसको बताऊंगी आपको। मैं एक और पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। हम लोग एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन हमने खींचा। अगेन वन मोर लाइन। कभी भी सिंगल लाइन इसमें नहीं होता। मधुबनी आर्ट का कॉन्सेप्ट ही है कभी भी सिंगल लाइन नहीं होगा, डबल लाइन होता है। कोई भी ड्राइंग हम बनाएंगे तो डबल लाइन होगा। एक स्ट्रोक में हमारा जितना लंबा हम लेकर के जा सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। अब हम लोग इसके अंदर सेंटर पॉइंट ही रखेंगे और यहां से ये लेंगे।
नीचे ऊपर आप देख रहे होंगे पूरे ड्राइंग में स्ट्रेट लाइन जिग जैग इसी सारी चीजों का फॉलो किया गया। अब अगेन हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक और बनाएंगे ऐसे अब इसके अंदर हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे। इस पार्ट को हम लोग ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग कलर कर देते हैं तो ये फिलिंग हो गया एंड ये हैचिंग बोलते हैं। जो लाइंस है ये हैचिंग हो गया एंड जो हम लोग इस पार्ट को जिसको हम लोग कलर करते हैं फिल करते हैं तो उसको फिलिंग एंड ये हैचिंग हो गया जो लाइन है। तो पैरेलल लाइन इस तरीके से चलेगा। ये इस तरीके का बहुत वेरियस ऑफ पैटर्न है जिसको कि हम लोग आज हम लोगों ने एक पैटर्न स्ट्रेट लाइन जिगजैग लाइन और तो ये इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले स्ट्रेट लाइन खींचना। जितना ज्यादा लंबा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का फिर इस तरीके से लाइन का ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर इस तरीके से लाइन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सारे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट क्लास से पहले फिर ये लाइन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिग जैग का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे छोटा छोटा इस तरीके से ये सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोगों का हैंड उतना सेट होता जाएगा और अब डबल लाइन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ जो भी पैटर्न बनाएंगे उसके साथ हम लोग डबल लाइन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सिंगल लाइन खींचना इजी है डबल लाइन जब होता है तो वो सिमेट्रिकल नहीं आता है। तो ये हम लोग जिग जैग जैसे अगर ये कर रहे हैं तो इसका भी हम लोग डबल लाइन का प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा दूर तक हम लोग लेकर के जा सकते हैं उतना लंबा हम लोग करते जाएंगे। ये सारे फॉर प्रैक्टिस सो दैट हमारे हैंड को हैबिट हो जाए लाइंस खींचने की पैरेलल लाइन। बस आंख बंद करके हमारा लाइन इस तरीके से चले पैरेलल लाइन चले। तो ये सारी चीजें आज के क्लास के लिए हम लोग एक हम लोगों ने एक डिजाइन को लेकर के चला। मैं एक और पैटर्न अभी टाइम है तो मैं एक और पैटर्न आपको आप लोगों को बता रही हूँ। एक और लाइन ऐसे पैरेलल हम लोग खींच रहे हैं आप देख रहे हो नोटिस कर रहे होगे अभी इतने ही देर में करते करते आपके हैंड सेट हो गए होंगे।
इतने देर में ही आपको लग रहा होगा कि यू कैन एबल टू डू, शुरू में लग रहा होगा कि अरे लाइन पैरेलल जा नहीं रहा है, सिमेट्रिकल नहीं जा रहा है, बट इतने कम टाइम में ही करते करते हमारा लाइन स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल जाना शुरू हो जाता है। तो हम लोग एक और पैटर्न के लिए, अब इसके बीच में इन बिटवीन एक और हम लोग लाइन लेंगे, ये सिंगल लाइन होगा। अब इसके साथ हम लोग ओवल शेप में ये हमारा ड्राइंग बनाएंगे। इसके अंदर एक और ऐसे पैरेलल होगा, अब ये डबल पैटर्न हम लोग चल रहे हैं, एक में एक अलग और दूसरा अलग। हम लोग इसको ओवल भी लिए हैं, इसको हम लोग सर्कुलर भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन हमें जो करने का मन है हमारा, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है कि हमें एग्जैक्टली नहीं यही फॉलो करना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग अपोजिट इसके जिगजैग लाइन लेंगे, एक में हम लोग ऐसे दो पैटर्न ले सकते हैं। अब इसका लाइन चलेगा इस तरीके से, पैरेलल लाइन। अब ये अपोजिट होगा क्योंकि हमारा जो भी डिमार्केशन शो कर रहा है हमारे लाइन से शो कर रहा है। आप देखोगे तो दो लाइन ही है बट दोनों लाइन एक दूसरे से अलग है, तो ये इसका इस ड्राइंग की खूबसूरती है कि ये हम लाइन से पूरे के पूरे ड्राइंग को शो कर सकते हैं। दिस इज द वे वी कैन डू। बाद में फिर हम लोग इसको कैनवास पे लेंगे, पेपर पे लेंगे। मिनिमम 150 होता है एंड 200, 300, 400 डेंसिटी जितना ज्यादा हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना उसका लाइफ लॉन्ग होगा पेपर का। वो आपको चॉइस करना है कि आपको कितना थिक पेपर पे करना है जब आप अपने लिए बनाएंगे या फिर एग्जीबिशन के लिए बनाएंगे, तो वो आपको पेपर का डेंसिटी चूज करना है। तो 150 तो मिनिमम हम रखेंगे एंड मैक्सिमम 200, 300 वो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक और पैटर्न बनाया, ये लाइंस हमने दो है बट दोनों का तो कॉन्ट्रास्ट दोनों का अलग होगा, तो इस तरीके से हमारा ये चलेगा। सभी को लाइंस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, चल रहा है सब लोगों का पैरेलल? दीदी मेरा थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, पतला नहीं हो पा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ये अभी क्योंकि हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सब दिखाएंगे क्या?
करके। हाँ थोड़ा सा एक्चुअली डार्क नहीं हुआ है, थोड़ा दिख रहा नहीं रहा उतना क्लियर। हाँ सुचित्रा दीदी का ठीक है, थोड़ा हाँ थोड़ा अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा ठीक है। ललिता चौधरी हाँ आपका भी थोड़ा लाइट है तो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट या दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, विल डू प्रैक्टिस डॉक्टर सुचित्रा। या आप एक बारी फिर से दिखाएंगी डॉक्टर सुचित्रा? नाइस ओके ओके डॉक्टर सुमन सॉरी नाइस ठीक है, ठीक हो रहा है। प्रैक्टिस हम लोग सबको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। अनुरक्ति दीदी आपका दिख नहीं रहा है, एंड और किसका अनुरक्ति का नहीं दिख रहा है? एक दो लोगों का आप लोगों ने दिखाया नहीं है तो मुझे दिखा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिस आप लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका हैंड सेफ होगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका ड्राइंग का, और फिर आपका हैंड दिखेगा अपने आप, आपकी फिनिशिंग आती जाएगी, आपका हैंड उतना स्मूथ चलता जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज पर ध्यान देना। लाइंस हम लोग जितना पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिगजैग लाइन खींचेंगे, वो ये हम लोग बेसिक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ ड्रॉइंग स्टार्ट कर देंगे। तो किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर अभी हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। दीदी किस पेन से प्रैक्टिस करना सही रहेगा जिसमें चाहिए? हम लोग जेल पेन से कर सकते हैं, निब पेन से नहीं करेंगे ठीक है, बाद में करेंगे निब पेन से, पहले हम लोग जेल पेन से करेंगे, फिर उसके बाद जो मैं ग्रुप में डाली हूँ वो पेन आता है वो हम लोग सबके पास रहने से अच्छा है, हम लोग फिर इंक में डिप कर करके भी कर सकते हैं। और भी अदर बहुत इजी करने के लिए आजकल रेडीमेड भी आ रहा है, बट जो नेचुरल प्रोसेस उसका है वो निप आता है, वो ज्यादा देर तक उस पे इंक डिप करने से लंबा लाइन जाएगा। नॉर्मल फाउंटेन पेन का जो निब है वो उतना लंबा नहीं रह पाता, बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो फाउंटेन पेन का ही निब आता है तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे ठीक है। फिर थैंक यू सो मच फॉर ऑल आर ज्वाइनिंग एंड नमस्कार। थैंक यू दीदी बहुत सुंदर से बताया, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 ऑल। नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार दीदी।